जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे प्रतिदिन तरह आज की अपडेट की। काफी सारी अपडेट है और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज की डेट शीट आई है, क्या वो हमारे जो एग्जाम है कैंसिल हो सकते हैं? तो आपको बताते हैं, आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिए गए हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के, जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक में। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होने वाले हैं। यानी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम के चांसेस यानी कि बहुत ही ना के बराबर है कैंसिल होंगे, यानी कि आपके एग्जाम अभी से स्टार्ट होने वाले हैं। इससे आगे बात करें साथियों, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे? तो साथियों, पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पीजी के लिए आप जुलाई के फर्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ के साथ जो एलएलबी थ्री ईयर है उसके लिए भी जुलाई के फर्स्ट वीक से पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है। अब इससे आगे बात करें साथियों, जो आज की अपडेट है उसके बारे में। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी में यदि आपको एलएलएम, एमएड, बीपीएड या एमपीएड में एडमिशन लेना है या उनसे जुड़े हुए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की आज लास्ट डेट है। तो यानी कि यदि आपको एलएलएम में, एमएड में, बीपीएड में, एमपीएड में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आज आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसमें जो बच्चे बीएड फाइनल ईयर में है तो वो भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एलएलबी फाइनल ईयर में है वो भी आपका एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा जिससे कि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर जल्द पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।